और अबू आसिम साहब के आदेश पर हम लोगों ने ये मोर्चा लिया है। एक विरोध प्रदर्शन है। हम लोग जो आज लोगों पर जो भी दिक्कत हो रही है, महंगाई, ये लोग कह रहे कि यही महंगाई के ऊपर, डीजल, पेट्रोल, गैस के ऊपर ये लोग इतना चिल्लाते थे, यही गवर्नमेंट, और आज ये लोग को समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग किस तरीके से महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, पेट्रोल और डीजल गैस के रेट ऐसा बढ़ाते जा रहे हैं। आज पेट्रोल का रेट आज 90 के ऊपर हो गया। मतलब ये लोग सेंचुरी मारने पे लगे, मतलब लोगों की फिक्र नहीं है इनको। आज जो भी ये लोग, हम तो जनता की आवाज़ बनकर जनता के बीच में जाकर लोगों को महसूस कर रहे हैं कि भाई लोगों को आज क्या दिक्कत हो रही है, और इसके लिए हम लोग ये सरकार जो एक गूंगी बहरों की सरकार हो चुकी है, और इसके कान में जू तक नहीं रेंग रही है। हम इनको इनके कान पर जाके आवाज़ देंगे और इनको ये एहसास दिलाएंगे कि भाई जिसके बल पर आप लोगों को बेवकूफ़ बनाएं, जुमलाबाजी करके 15 लाख आएगा, काला धन आएगा, डीजल पेट्रोल का भाव कम होगा, गैस का भाव कम होगा, बेरोजगारों को रोजी रोजगार मिलेगा। आज करोड़ों युवा रोजी रोजगार के लिए तरस रहे हैं। आज क्राइम बढ़ता जा रहा है, मॉब लिंचिंग के बहाने से लोगों को मारा जा रहा है, ये धर्म के नाम पर लोगों को काटा जा रहा है, आज ये संविधान को तोड़ा जा रहा है। जो संविधान की बात करते थे, संविधान के खिलाफ जाकर ये लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ इस बार 2019 में जो जनता है, वो जनता इस बार इनको दिखाएगी, जो हर बार बोलते थे आपकी बार मोदी सरकार, तो आपकी बार गिरेगी ये सरकार।